बेसिकली स्तूप जो होते हैं वो जो बुद्धिस्ट मोंक है ना, इनको एक अवस्था तक पहुंच जाते हैं ध्यान की एक अवस्था के बाद में जब जो है वो दुनिया में नहीं होते हैं, तो उनके जो रेलिक्स जिसको हम बोलते हैं अस्थि धातु है ना, वो इन स्तूप के अंदर जो है संरक्षित होती है जो है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध के बहुत सारे शिष्य थे जो है, उसमें से जो छोटे स्तूप हैं उसमें जो है वो छोटे जो भिक्षु हैं उन लोगों की अस्थियां होती है, और जो मेन जैसे ये बड़ा स्तूप आप सामने देख रहे हैं जो है सद्धारा का जो है, इसमें की कहते हैं भगवान बुद्ध की अस्थियां भी इसके नीचे हैं जो है। मेन स्तूप जो है वो सांची में है, बट ये स्तूप सांची से बड़ा है ना, और इसका एक अलग महत्व है जो है। इसलिए जितने भी जो रिलेटेड जानकार लोग हैं जो है, जब भी यहाँ आते हैं सांची आते हैं तो सद्धारा जरूर आते हैं जो है। अच्छा। तो सद्धारा जो है बहुत ऐतिहासिक और प्राचीन तपोभूमि रही है भिक्षु लोगों के हिसाब से जो है, और यहाँ लगभग ऐसे 8 स्तूप जो हैं वो बने हुए हैं जो है,